विदेशी बाजारों में दाम तेज होने के बाद घरेलू बाजारों में चीनी की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। कोलकाता और मुंबई में चीनी के भाव 20 से 30 रुपए प्रति क्विंटल तक गिर चुके हैं। मुंबई में बुधवार को एम ग्रेड चीनी के भाव घटकर 3640 से 3682 रुपए और कोलकाता में 4000 से 4025 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गए। आईसी मार्च राज शुगर वायदा के साथ व्हाइट चीनी की कीमतों में भी जो तेजी आई थी वो थमती नजर आई है। वहीं व्यापारियों के अनुसार स्टॉकिस्ट ने दो दिन पहले त्योहारी मांग के कारण चीनी के दाम तेज कर दिए थे, लेकिन बड़े भाव में थोक के साथ ही खुदरा में ग्राहक की कमजोर देखने को मिल रही है। हालांकि आगे त्योहारी सीजन है जिस कारण चीनी की खपत में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने अक्टूबर के लिए चीनी का कोटा 1,00,000 टन बढ़ाकर 24,00,000 टन जारी किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने सितंबर के अंतिम सप्ताह में अतिरिक्त 2,50,000 टन का कोटा जारी किया था। उसको बेचने के लिए मिलों को 10 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, इसीलिए मिलों की बिकवाली भी बराबर बनी हुई है। जानकारों की माने तो चालू महीने में महाराष्ट्र और कर्नाटक की मिलों में पराई आरंभ शुरू हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों में चालू महीने के अंत तक पराई शुरू होने की उम्मीद है। उद्योग के अनुसार चालू पराई सीजन 2021-22 में चीनी का निर्यात घटकर 60,00,000 टन होने का अनुमान है, जबकि पराई सीजन 2021-2021 में रिकॉर्ड 72,03,000 टन चीनी का निर्यात हुआ है। ब्राजील के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। उद्योग के अनुसार चीनी मिलों ने 30 सितंबर 2021 को समाप्त मार्केटिंग ईयर 2020-21 में अनुमानित रूप से रिकॉर्ड 72,03,000 टन चीनी का निर्यात किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इंडोनेशिया की है जो कि कुल 18,02,000 टन है। वहीं दिल्ली में भी व्यापारियों ने चीनी के भाव 10 से 15 रुपये प्रति क्विंटल तक घटा दिए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी भारत और पूर्वी क्षेत्रों में चीनी में मांग कमज़ोर बनी हुई है। माना जा रहा है कि नवरात्र शुरू होने के बाद मांग बढ़ने पर चीनी के भाव में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे हल्का सुधार तो आ सकता है लेकिन बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।